हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। यहाँ पर हम आपको देते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर खबर। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि अरमान को असलियत बताएगी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की भुआ। जी हाँ, काजल को ये पता लग जाएगा कि युवराज को लाने वाला कोई और नहीं बल्कि संजय है और वो इसीलिए मसूरी गया था। अब ऐसे में यहाँ पर युवराज जब अटैक करके भाग जाएगा, निकल जाएगा पोदार हाउस से, अरमान उसको चाहकर भी नहीं पकड़ पाएगा और वो अरमान के चुंगल से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे में काजल को एहसास हो जाएगा क्योंकि काजल फोन उठा लेगी संजय का। संजय के फोन पर युवराज का वीडियो कॉल आ रहा होगा और पीछे खड़ी होगी काजल। काजल देखेगी संजय को उस युवराज से बात करते हुए और यहाँ पर संजय चिल्ला रहा होगा और ये कह रहा होगा कि तुम पोदार हाउस में क्यों आए। सारी कन्वर्सेशन सुन लेगी काजल, जिसके बाद काजल जाकर अरमान को बताने वाली है पूरे का पूरा सच, बताने वाली है कि संजय है इन सब चीजों के पीछे और उसी की वजह से युवराज नाम का शख्स हमारे घर के अंदर घुसा था, जिसने आकर अबीरा को टॉर्चर किया था। हालांकि इसके साथ साथ आपको एक और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि विद्या एक्सेप्ट कर लेगी अपनी बहू को अबीरा को और उसको आशीर्वाद देगी, क्योंकि अबीरा अपनी पहली सैलरी से सभी घर वालों के लिए ना सिर्फ तोहफे लाएगी बल्कि मासा को पैसे देने की भी कोशिश करेगी अपनी सैलरी से, पर मासा पैसे नहीं लेंगी। और ऐसे में विद्या आशीर्वाद देगी अपनी बहू को और कहेगी कि तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ रहो और हमेशा सुहागन रहो। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ये होगी कि अब अरमान संजय के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाएगा और सबूत इकट्ठा करता हुआ आप सभी को नजर आएगा। वेल दोस्तों, कितने एक्साइटेड हो आप ये सब देखने के लिए, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।